फ्रेंड्स, दिस इज चारुजैन. वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स. ये वीडियो डीपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों ईयर के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है. वैसे तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम्स किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है, लेकिन उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ज्यादा ऐड करके और कुछ उसी में से लेकर आई हूँ कि अगर आप इन 7 और 8 टिप्स का ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से आने से कोई नहीं रोक सकता. तो ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और बहुत यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इसके अलावा डीपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड सारी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां सारे लिंक मिल जाएंगे. और आपको अगर आंसर शीट देखनी है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी मेरी वीडियो मैंने डाल दी है, आप चेक कर लीजिएगा. तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ 7-8 टिप्स लिखे हैं. फर्स्ट टिप मैं यही देना चाहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर एक स्मार्ट तरीके में पढ़ना है. जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के रहने दीजिए, वो रीड मत कीजिएगा. सिर्फ आप 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले रीड करिएगा. ये फटाफट रीड करके अपना क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट करो. उसके बाद मार्क द क्वेश्चंस इफ यू नो द आंसर. क्या है कि अगर आपको आंसर आता है उस पे मार्क कर लो, कि उसमें आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी. और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रही उस पे स्टार कर दो, सर्कल कर दो. फिर राइट पॉइंटर्स विद पेंसिल ऑन क्वेश्चन पेपर. क्या है, जो क्वेश्चंस आते हैं तो फटाफट हल्के हल्के ना छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख दो नाम से कि इस क्वेश्चन में मुझे ये एक्सप्लेन करना है. उससे आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप आंसर लिखोगे. फिर आपको बॉल पेन यूज करना है. बॉल पेन से राइटिंग थोड़ा जल्दी आती है, फास्ट आती है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको जेल पेन भी सूट करता है या नहीं. उसके बाद ड्रॉ अ मार्जिन लाइन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. या तो इस साइड एक छोटी सी मार्जिन लाइन बनाइए या फिर इस साइड एक लाइन बनाइए. ज्यादा चौड़ी मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करिएगा ताकि जो लास्ट साइडों में अगर पेज फट जाए तो आपका आंसर ना फटे. और इस साइड अगर चैप्टर होता है पेपर तो वो आपका आंसर छुपेगा, तो लाइन सिर्फ इसलिए बनाई जाती है. उसके बाद ड्रॉ डायग्राम विद पेंसिल्स. अगर आपके आंसर में कोई डायग्राम है उसको पेंसिल से बनाइए और नीट एंड क्लीन बनाइए. स्केल यूज करिए जहाँ पे स्केल की नीड है. उसके बाद लेबल विद ब्लैक पेन. जो भी डायग्राम आप बना रहे हो तो जो उसकी लेबलिंग होगी एक तो स्ट्रेट होगी और ब्लैक पेन से लेबल करोगे. उसके बाद आपको रिवीजन करनी है तो पॉइंटर्स से रिवीजन करो. मैं आपको एक बार पॉइंटर्स के भी पेजेस शीट सिखा दूंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती थी. मैं क्या करती थी, किसी आंसर के मैंने ऐसे आंसर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख लिया और उसके मैं पॉइंटर्स बना लेती थी जो जो मेरे क्वेश्चन में है. और जब मुझे रिवीजन करना था वो टॉपिक तो मैं सारे पॉइंटर्स पढ़ लेती थी, तो 2 मिनट में मेरा एक टॉपिक रिवाइज हो जाता था. तो ये थे कुछ मेरे टिप्स कि आपको डीपीएससी के एग्जाम्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं. ये दोनों ईयर्स के लिए रहेगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप उससे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. मैं आपके सारे रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी. साथ साथ अगर आप किसी और चीज की वीडियो चाहते हैं एग्जाम से ही रिलेटेड तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.